हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इवत्तु 10th स्टैंडर्ड थर्ड लैंग्वेज पाठ 3 गिल्लुदु क्वेश्चन आंसर्स कोड्ता इदीनि लास्ट वीडियो दल्ली नानु गिल्लुदु लेसन एक्सप्लेनेशन कोट्टिदीनि नीवु आ वीडियो नोडिल्ल अंतंद्रे नानु इदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स अल्ली अदर लेसन एक्सप्लेनेशन लिंक हाकिर्तीनि फस्ट नीवु लेसन एक्सप्लेनेशन केळिस्कोंडु आमेले क्वेश्चन आंसर्स ना कॉपी माड्कोळ्ळि ओके मक्कळु बन्नि स्टार्ट माडोण फस्ट मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समाधारित अनाधारित अति सम्मानित अति अवमानित है गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाते थे वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था गिलहरी को लघु गात लिफाफे में बंद रहता था गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था गिलहरियों की जीवन विधि सामान्यता कितनी होती है गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है गिलहरी की समाधि सोनजुही लता के नीचे बनाई गई है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी काकद्यय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे इसलिए वह निश्चिंत सा गमले से चिपका पड़ा था लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता अतः ऐसे ही रहने दिया जावे लेखिका का मन ना माना तो उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई फिर रूई से रक्त पोंछ कर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सकेगा इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला वहां उसके पैर तक आकर सरस से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था वर्मा जी को चौंकने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी इसके लिए वहाँ फूलदाना के फूलों में छिप जाता कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए गिल्लू ने लेखिका के गैरहाजिरी में जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बेचता वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य काजू को कम खाता रहा
5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। गिल्लू के कार्य कलाप के बारे में लिखिए। वहाँ 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वहाँ स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वहां खिड़की से निकलकर मेज पर आकर और उसके थाली में बैठ जाता जाना चाहता। लेकिन लेखिका ने बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वहां मेरी थाली में से एक एक उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। जब गिल्लू घायल हुआ, तब उस पर रूई से रक्त पहुंचकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त रहना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठाना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नज़दीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। 4th महीनो रिक्त स्थान भरिए। यह डैश भी विचित्र पक्षी है, नोड़ी काक। ओके, काक। उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना। गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया, वसंत आया। मेरे पास बहुत डैश है। पशु पक्षी। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। जीवन यात्रा। ओके, नेक्स्ट मेनो अनुरूप शब्द लिखिए। नोड़ी 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म 1987 डैश। नोड़ी महादेवी वर्मा जी का निधन, ಇದು ಜನ್ಮ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ, ಇದು ಅವರ ತೀರಿ ಹೋದ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಗುಲಾಬ್. ಗುಲಾಬ್ ಅಂದರೆ ಪೌಧ, ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ. ಸೋನ್ ಜೂಹಿ ಅಂದರೆ ಫೂಲ್. ಹನ್ಸ್ ಸಫೇದ್, ಕೌವಾ ಕಾಲ. ಹನ್ಸ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್, ಅದು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಫೇದ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್. ಕೌವಾ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಲ. ಬಿಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್. ಗಿಲ್ಲು ಚಿಕ್ 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 ಅನ್ನುತ್ತಲ್ವಾ. ಕೋಯಲ್ ಮಧುರ್ ಸ್ವರ್, ಕೌವಾ ಕರ್ಕಶ್. ಮಧುರ್ ಕೋಗಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ? ಮಧುರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಕಾಗೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನು ಕನ್ನಡಿಯ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕಿಜಿಯೆ. ಕೈ ಗಂಟೆ ಮೇ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ್ ಉಸ್ಕೆ ಮೂಹ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಟಪ್ಕಾಯಾ ಜಾ ಸಕಾ. ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದೆನು. ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್.
बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बहुत परिश्रम दिंद नानु अदक्के तट्टेय बळि कुळितुकोळ्ळुवुदन्नु कलिसिदे। With great difficulty I thought it to sit near the plate. गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। गिल्लू नन्न बळि इट्टिद्द नीरिन पात्रेय मेले मलगुत्तित्तु। गिल्लू ऑलवेज यूज टू स्लीप नियर द पॉट। दिन भर गिल्लू ने ना कुछ खाया ना कुछ ना वह बाहर गया। दिनवेल्ला गिल्लू एनन्नु तिन्नलिल्ला होरगु सह होगलिल्ला। होल डे गिल्लू डिड नॉट ईट एनीथिंग नॉर वेंट आउटसाइड। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। एकवचन बहुवचन उंगली उंगलिया, केलगडे इदे नोडी उंगली उंगलिया, आंख आंखे, पूंच पूंछे, खिड़की खिड़खिड़िया, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। उदाहरण अनुसार प्रेरणार्थ क्रिया रूप लिखिए। नोड़े चिपकना चिपकाना चिपकवाना, लिखना लिखवाना लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोजना खुलाना खुवानाला, पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बंटाना बनटाना, मंझाना मंझाना मंझवाना, जांचना हुंचाना हुंचवाना। विलोम शब्द लिखिए। अंदर ऑपोजिट्स दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ, ईमान बेईमान, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन, धन बेधन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण। समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। नोड़ी गात शरीर देह, अंद्रे गात अंद्रे देह बॉडी, शरीर अंद्रूनु बॉडीने, देह अंद्रे बॉडीने, आ तर ईक्वल वर्ड्स। आहार खाना भोजन, विस्मय आश्चर्य अचरज, हिम्मत धैर्य साहस, खोज तलाश ढूंढ। कारक का नाम गमले के चारों ओर संबंध कारक। नोड़ी मुंह में एक बूंद पानी अधिकरण कारक, गिल्लू को पकड़कर कर्म कारक, जीवन का प्रथम वसंत संबंध कारक, खिड़की की खुली जाल संबंध कारक, मैंने कीले निकालकर कर्ता कारक, झूले से उतरकर कारण कारक, सुराही पर लेट जाता अधिकारक कारक, कुछ पाने के लिए संप्रदान कारक। नोड़े कारक का नाम लिखिए। गमले में चारों ओर संबंधित, नोड़े आवगले इतलवा
ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ನೋಡಿ, ದಿ ಗೈ ಶಬ್ದ ಪೆಹ್ಲೆ ಕೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೋ ಕೆ ನಾಮ್ ಢೂಂಡ್ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಶು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ಹನ್ಸ್ ಕಬೂತರ್ ಕುತ್ತಾ ಕೌವ ಗರುಡ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್. ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣ ಸಹಿತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಕೆ ಪಾಂಚ ಭೇದೋಂಕ ನಾಮ್ ಲಿಖಿಯ ವ್ಯಂಜನ್ ವಿಧಿ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಜಗತ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಥ್ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಸತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಚಾರ್ ಸದಾಚಾರ್, ವಕ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈ ವಾಗ್ಮೈ, ವಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಶ್ ವಾಗೀಶ್, ಷಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದರ್ಶನ್ ಷಟ್ ದರ್ಶನ್, ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಕರ್ಕೆ ಲಿಖಿಯೆ, ತಲ್ಲೀನ್ ತತ್ ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ, ಚಿತಾನಂದ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ್, ದಿಗಂಬರ್ ದಿಕ್ ಅಂಬರ್, ಸಜ್ಜನ್ ಸತ್ ಜನ್, ಸದ್ವಿನ್ ಸತ್ ಗತಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಿಲ್ಲು ಲೆಸನ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೆಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.